हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम। वेलकम आपका मेरी इस वीडियो में। आज मैं एक मूवी रिव्यू करने जा रहा हूँ जिस मूवी को डायरेक्टली हॉटस्टार पे रिलीज किया गया है। यानी इस मूवी को सिर्फ की ओरिजिनल लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। वैसे मल्टी लैंग्वेज रिलीज हुई है, तमिल मलयालम वगैरह के अंदर ही, लेकिन इसको हिंदी में रिलीज नहीं किया है। सिर्फ जो ऑफिशियली ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें फिल्म को रिलीज किया है। ये मूवी आपको हॉटस्टार पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ मिल जाएगी। और दोस्तों, मैंने इस फिल्म को देख लिया और इस फिल्म का नाम है बटरफ्लाई। आपको इस फिल्म में लीड रोल देखने को मिलेगी अनुपमा परमेश्वरम, भूमिका चावला एंड अदर सपोर्टिंग कास्ट। दोस्तों, ये एक थ्रिल मूवी है जिसे देखकर कुछ देर पहले मैंने ख़त्म किया है। इसे देखकर जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस है इस फिल्म के साथ, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ कि आखिरकार आपको इस फिल्म में क्या कुछ देखने मिलने वाला है, क्या ये फिल्म सबको पसंद आएगी या नहीं। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, फिल्म कहानी गीता की यानी अनुपमा परमेश्वरम की। वो जाती है अपनी बहन के पास, विजयंती के पास, यानी कि भूमिका चावला के पास, जो हैदराबाद में रहते हैं। विजयंती एक क्रिमिनल लॉयर हैं, यानी कि वो इसी टाइप के केस वगैरह हैंडल करती है क्रिमिनल के ऊपर। और वो अपने पति से अलग रह रही है अपने बच्चों के साथ। उनके बीच में ऐसा कोई झगड़ा बन गया था कि वो उसे अलग रहने लगी थी। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब भूमिका चावला किसी काम से मीटिंग के लिए दिल्ली जाती हैं और ये जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी अनुपमा पर छोड़ कर जाती है, गीता पर। अब एक हिसाब से बच्चे गुम जाते हैं उनसे। अब वो उन बच्चों को कैसे ढूंढेगी, क्या इसके पीछे की कहानी, वो इस फिल्म का मेन प्लॉट यानी फिल्म की बेसिक कहानी ये है। अब बात करते हैं फिल्म में क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट। अनुपमा परमेश्वरम इस फिल्म का यानी हार्ट और आत्मा है। यानी एक बॉडी के अंदर दिल और आत्मा दोनों चाहिए, तभी बॉडी चलती है ना। तो इस फिल्म के लिए दिल और आत्मा काम अनुपमा परमेश्वरम की है। सुपर सी बी गजब की एक्सलेंट परफॉर्मेंस उन्होंने इस फिल्म में दी है। इतनी सुपर दी है कहने क्या है। उनका मूव लुक, उनका स्टाइल, उनका उन्होंने फिल्म की जिम्मेदारी ना अपने कंधों पर ले रखी है। इसी साथ दोस्तों, उन्होंने इस फिल्म में परफॉर्मेंस दी है इतनी गजब की कि सुपर से ऊपर लगता है। उनका रोल है ना फिल्म में जान है। भूमिका चावला ने अब जो साइड रोल प्ले करती है ना तेलुगु मूवीज़ के अंदर, वो बड़े सुंदर लगते हैं। मतलब एक गजब का रोल वो प्ले करती हैं। दोस्तों, ये वन टाइम वॉच वाली मूवी सबके लिए बनेगी जिसको थ्रिल मूवी देखना सबसे पसंद है, क्योंकि फिल्म का जो क्लाइमैक्स है ना वो इस फिल्म की जान है। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ कि भाई आपको ये फिल्म देखनी चाहिए नहीं, तो दोस्तों मैं बोलूँगा अनुपमा परमेश्वरम के लिए अगर आपको ये फिल्म देखनी है ना तो है ठीक, क्योंकि इसका जो थ्रिल है ना उसके लिए लोग इस फिल्म को देखेंगे नहीं, सिर्फ अनुपमा परमेश्वरम की एक्टिंग के लिए, उनकी मतलब परफॉर्मेंस के लिए ना जरूर लोग इस फिल्म को देखेंगे। तो इस फिल्म में दोस्तों मेरा छोटा सा रिव्यू था। अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक जरूर करना। लगे मतलब अच्छी देखने मिली मेरे चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।